अल्हम्दुलिल्लाह के बाद वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बाद अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुल फील मक्किया अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बि असहाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. क्या आपने नहीं देखा, आपने मुशाहदा नहीं फरमाया कि क्या उसने उनके मकर फरी कर दिया और उन पर हर सबसे परिंदों के गौल भेज दिए जो उन पर नौकीली तेज धार कंकरियां फेंकते थे, यूं उसने खाए हुए भूसे की तरह बनाकर रख दिया। सामिन, आज हमारी सूरा अल फील की आयत मुबारका नंबर 5-5 तक की तिलावत और तर्जुमा कर नसीब हुआ। यह सूरा मुबारका कुरान पाक की तरतीब के अतबार से तरतीब मुसनद से बोलते हैं, इसका नंबर 105 है और तरतीब नज़ूली के अतबार से इसका नंबर जो है वो 19वां है, 19वें नंबर पर यह सूरह मुबारका नाज़िल हुई। और इस सूरह मुबारका का नाम भी पहली आयत मुबारका में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अल फील, उसी मुनासिबत से इसका नाम जो है वो सूरतुल फील रखा गया। अरबी जुबान में फील हाथी को कहा जाता है क्योंकि सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने असहाबे फील का जिक्र, उनका मजमूम इरादा और उनकी तबाही और बर्बादी और दुनिया वालों के लिए उसे निशाने इबरत बनाने का तफसीली जिक्र किया गया है। जो हमारी कल सूरह खत्म हुई जिसे सूरह गुमाजा कहा जाता है, उसमें अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र फरमाया कि वो शख्स जो अपना माल जमा करता रहता है और अपने आप को गुमान ये रखता है कि उसका माल भी हमेशा रहेगा, वो भी हमेशा रहेगा, तो ये उसका गुमान इंतहाई गलत है। अल्लाह उसे खत्म फरमाएगा, तबाह कर देगा। बाकी तो रहने वाला है वो तो सिर्फ इंसान का अमल सवाले है, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यहां तो कैसरों किसरा के महल्लात बाकी नहीं बचे, उतने बड़े माल तो किसी ने नहीं बनाया दुनिया में। आज दुनिया जितने बड़े बड़े महल्लात बना ले, उतना बड़ा महल अभी किसी ने तामीर नहीं किया जो उनके महल्लात थे। तो आज जो उनके निशान भी नहीं मिलते, बस लोग ये बताते हैं कि ये जगह थी जहां पे उनके महल्लात हुआ करते थे। उनके शहनशाही किंगरों को ऐसा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया गया जो उनकी बादशाहत की अलामत थी, वो खत्म हो गया। फिरौन और कारून और हमान के खजाने और बादशाहियां भी खत्म हो गई। अगर सिर्फ और सिर्फ आज नाम बाकी है तो उनका बाकी है जो अमल साले को दुनिया के लिए निशान छोड़ गए थे। उनकी निशानी आज भी, अल्लाह ने कई हजार साल निशानियों को जिंदा रखा। आज भी हरम पाक में आप जाएं तो आपको वो निशानात और जगह, कितने सकाफत बदली, तगैर तबदल हुआ, निजाम बदले, हुकूमतें बदली, लोग आते जाते रहे, लेकिन आज भी सफा मरवा है, आज भी मकाम इब्राहिम है ना, आज भी हजरे अस्वद मौजूद है, क़यामत तक है, आज भी अल्लाह का घर मौजूद है, आज भी वो जगह और आसार मौजूद हैं जहां आपके और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रज़ा फरमाया। आज भी गारे हिरा है ना, आज भी गारे सौर है, बाकी जो रहता है वो सिर्फ यही रहता है, बाकी कुछ और नहीं बचता। अब ये चूंकि इस सूरह में भी बिल्कुल उसी का एक तसलसल है, ये शाह अफशा ने एक गवर्नर था यमन का जिसका नाम था अबरा। अब ये बहुत चापलूसी करता था शाह अफशा की, अफशा का जो भी बादशाह होता उसने जाति कर। अब ये चूंकि ईसाई था और वो बादशाह भी ईसाई था शाह अफशा,
तो इसने क्या किया कि वहां एक शहर था जिसका नाम सना था, स्वादुन आइन अलीफ हमजा सना, उसमें उसने एक कलीसा बनवाया शाह अफशा के लिए, बड़ा शानदार और बहुत बड़ा, अपने दौर में उसने काबा मुअज्जमा से भी बड़ा ज्यादा बनाया और बड़े अच्छे अंदाज से उसको खूबसूरत बना के खत लिखा शाह अफशा को के अब आप ऐलान कर दें कि जो अरब के लोग तवाफ़े काबा करने जाते हैं वो अब वहां ना जाया करें, यहां से जो लोग जाते हैं वहां पे अरब के लोग वहां ना जाएं, वो यही कलीसा में आ जाया करें, यहीं पे तवाफ कर लिया करें। मैंने उससे बड़ा एक घर बना दिया। अब घर बड़े बनाने से तो बात नहीं होती, तो बड़ा तो वही बनता है जिसको घर अल्लाह बड़ा बना। बंदों के बड़ा बनाने से तो कुछ नहीं बन सकता, न बंदों के घटाने से बढ़ता है, ना को बढ़ाने से बढ़ सकता है, घटता भी वही जिसे अल्लाह घटाए अल्लाह बढ़ा। सादा सी बात है और बड़ी सच्ची बात, और यही आखिरी और पहली बात। अब जब उसने ये अमल किया उसके बाद उसने ये बात मक्का में भी पहुंचवा दी बजरिया एलसी पैगाम रसा। तो अरब अगर से बुत प्रस्त थे, अगर से काफिर थे, लेकिन जाहिर है हरम की इज्जत और एहतराम हमें बड़ा था, इस पे तो वो कपड़ोबाजी नहीं करते थे। तो बड़ी किनारा का एक शख्स जो है वो आया और जुनून में आया, उसने ये बड़ा बदबख्त आदमी है, इसने ये क्या जुर्रत की हुई से गया, था तबीयत भी नहीं थी, वो गया और जाकर उसने अपने तौर पर उस गुस्से को निकालने के लिए उसने उस कलीसा के अंदर जाकर उसने पेशाब कर दिया, बोलो बरास कर दिया सुगंधा का। अब जब अबरा को इस बात का पता चला कि इसने हमारे माबद की तौहीन की है, बहुत गलत किया है, तो उस पर उसने जाहिर गवर्नर था वो यमन का, उसने पूरी फौज तैयार की, हाथियों का एक पूरा लश्कर तैयार किया, और उसने कहा कि मैं इनके काबे को गिरा के आऊं। इसके लिए उसने पूरी फौज के साथ हमले के लिए रवाना हो गया और खाना काबा शरीफ से 2 किलोमीटर दूर शहर के जब किनारे पर वहां बैठ गया और उसने अपने लोगों को भेजा कि जाओ बहाना बनाओ, इनसे छेड़छाड़ करो कुरैश वालों से, और इनके माल और ऊंट पकड़ के ले आओ ताकि ये लड़ाई करेंगे और फिर हम बहाना में मिल जाएगा और हम इन पे हमला करेंगे, इनको भी मार देंगे और काबा जो है उसको भी शहीद कर देंगे। ये गए और ये वहां कुरैश वालों के उन बाकी थोड़े से कबीले का जो सरदार थे वो जाहिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जाना, उनके ऊंट थे तकरीबन 200 ऊंट उनके वहां थे, आप कबीले के रईस थे, उन्होंने वो 200 ऊंट पकड़ लिए और उन्हें लेके आ गए। अब जब अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए उन्हें पैगाम दिया गया कि इस तरह ये बड़ा मामला है, फिर उसने कुछ पैगाम भी भिजवाया कि आए आप मेरे साथ बात करें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि चंद लोग मेरे साथ आ जाएं, मैं अकेला बात करूंगा, क्योंकि मुतवल्ली काबे के आप ही थे। आप तशरीफ ले गए, आपने उससे बात की, उसने कहा हाँ जी मेरे साथ मामला तय करो, मैं हमला करना चाहता हूं और मैंने तुम्हारे काबे को गिरा के जाना है, नऊज़ बिल्लाह, बताओ किन शरायत में ये मामला हुआ है, तुम्हारे बनी किनाना के आदमी ने हमारे कलीसा में ये किया है, तुम उसको क्या सजा देते हो या क्या करोगे, वगरना हम ये फैसला करके ये देखो ये पूरा हाथियों का लश्कर है और सारे जंगजू लोग यहाँ बैठे हैं, एक मिनट में हम तहस नहस कर दें। आपने जुमला फरमाया, आपने फरमाया मुझे मेरे ऊंट वापस कर दो। वो इतना हैरान हुआ कि मैं हैरान हूं कि हम काबा गिराने जा रहे हैं और मुतवली को अपने 200 ऊंटों की फिक्र पड़ी है। वो हकारत वाली नजर से देखा और हंसा, उसने कहा तुम्हें ऊंटों की अब्दुल मुत्तलिब फिक्र है? फरमाया हाँ ऊंटों का मालिक मैं हूं, इसलिए मुझे ऊंटों की फिक्र है, जो घर का मालिक है वो खुद उसकी फिक्र कर सकता। ये है अल्लाह तवक्कल, शर्त ये है वो अंदर से होना चाहिए तो फिर मामला खुद ही हो जाता। ऊंट आपने ली और वापस आए, आपने ऐलान किया कि सारे मक्के वाले यहां से निकल जाओ, सात पहाड़ों में चले जाओ,
पहाड़ों पे सारे चले गए, अबू नुमैर से मेरे साथ यही अफराद रह गए, वो रह गए। तो आपने काबे के सामने खड़े होके अल्लाह से अर्ज की, ऐ मेरे मालिक, मैं तो ऊँटों का आरजी मालिक था, ऊँट बचा के ले आया, इस घर का तू मालिक है, इसको अब तूने ही बचाना है, अगर ये आज गिर गया तो दुनिया क्या कहेगी, मालिक कमजोर था। ये कह के फरमाया जल्दी से अभी यहां से निकल। जब आप वहां से निकल गए, अब उसने हमला करना चाहा, बस अभी ये इरादा ही किया और आगे बढ़ा, अभी किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दिवाया बता, एक मैं तो 2 पे ही अभी था, अचानक समुद्र की जानब से गौल के गौल अबाबील के आए, जिनके पंजों में कंकरियां हैं, जिनकी जूझों में कंकरियां हैं, और ऐसा गोल कि अरब ने कभी ऐसा पंजों का गोल नहीं देखा। वो आया और कहते हैं कि हर कंकरी पर हर हाथी सवार का, फील बान का नाम लिखा हुआ था, अल्लाह की तरफ से हर फील बान का नाम लिखा हुआ था उस पथरी के ऊपर, छोटी सी संग्रेजे के ऊपर। वो आया और हर एक के ऊपर वो गिराता गया, और जिसके सर पे वो गिरता वो हाथी समेत वहां खत्म और राख बन गया। मामला हुआ चंद लम्हों में, पूरे का पूरा हाथी का लश्कर तबाह हो गया, और अल्लाह ताला ने अपने घर की ऐसी हिफाजत फरमाई कि रहती दुनिया तक कि मालिक अपने घर की कोई ऐसे की हिफाजत कर सकता। और फिर यह आयत मुबारक ये सूरह फील की अल्लाह ने अपने की सुनाई और बताया, फरमाया अलम तारा कैफा फआला रब्बुका बिसआदिल फील। सुभान अल्लाह। महबूब आज काफिर ये बात करते हैं, कभी दौलत की तड़ियां लगाते हैं, कभी माल की तड़ियां लगाते हैं, क्या आप इनको बताएं, क्या इनके बड़ों ने नहीं देखा था अपनी नजरों से वो वाकया, नहीं देखा कि कैसा हाल वाला हुआ, कैसा उनका हाल कर दिया, क्या उसने गुमराह नहीं कर दिया, बेअसर नहीं कर दिया, जो वो साजिश लेके आए थे मेरे मालिक ने सारी साजिश बेअसर कर दी। वो अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर उड़ने वाले अल्लाह ने परिंदे भेजे। अब अबाबील पे बड़ा लिखा है, मजेदार बातें लिखी है मुफस्सिरीन ने, लुगवी एतबार से कि तैरन तो किसी भी उड़ने वाली चीज को कहते हैं, तारा यतीर, इसलिए हवाई जहाज को अरबी में मतवार कहते हैं, हवा में उड़ने वाली जो भी चीज होती है उसे तैर कहते हैं, तैर। तो अब अगर परिंदों तो उन्हें अजनया कहते हैं। तो अब ये अबाबील पे उन्होंने लिखा है कि अबाबील अरब के अंदर जो सबसे छोटा परिंदा जिसे ममोला बोलते हैं हम अपनी जुबान उर्दू में, उसे अबाबील कहते हैं। अल्लाह ने बड़ा परिंदा भी नहीं भेजा, जो सबसे छोटा अरब में ममोला था, अबाबील था, उसको भेजा, सबसे बड़े जानवर, हाथी कितना बड़ा जानवर, सबसे छोटा परिंदा और वो सबसे बड़ा पेट एनिमल, उसको तबाह करने के लिए, सिर्फ क्यामत तक दुनिया को दिखा दे कि अल्लाह चाहे तो वो चिड़िया से बाज और हाथी मरवा सकता, ये वही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह से कभी मत टकराइए, उस मालिक से मत टकराना, वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। मालिक ने नहीं, मालिक तो अपनी मखलूक में से छोटे से ममोले को भी भेजेगा ना, तुम्हारे बड़े से बड़े हाथियों को भी तबाह कर देगा। फरमाया हमने उन पर वो अबाबील भेजे उड़ते हुए जो आए, तरमी हिम पे हिजारा, हिजारा कहते हैं अरबी जुबान में पत्थर को, हजरे अस्वद कहते हैं काला पत्थर, हिजारा उसकी जमा। फरमाया तरमी हिम, वो फेंक रहे थे, रमियों से निकला है तरमी, फेंकना, रमी जवाहरात कहते हैं, वो जो कंकरियां मारते हैं शैतान को, रमी का माना फेंकना और जवाहरात जवाहरात पत्थर। फरमाया के उन्हें वो पत्थर मार रहे थे मिन सिज्जील, और वो ऐसी थी जो नौकीली थी, नोटा जिसके सर पे लगती थी, सर समय नीचे उतर जाती। अल्लाह अकबर, क्या रब का निजाम है, रब का निजाम है। अगर वो अकीदा और वो मजबूत एतमाद हो अल्लाह की जात पर, तो आज भी अल्लाह तो वही है जो अब्दुल मुत्तलिब का अल्लाह, अल्लाह तो आज भी वही है,
आज अगर मुसलमान दुनिया में पसपा हुए काफरों के हाथों तो सोचना मुसलमानों को चाहिए, सोचना मुसलमानों को चाहिए कि हमारे हमारे ये हालात क्यों हैं। मैंने परसों के दस में ये बात अतवार वाले रोज में मैंने तफसील से बात की कि ये मामला हमारे जो बर्बादी के सामान हैं इसकी कोई वजह नहीं है जी, वो फला हुक्मरान आ गया, फला हुक्मरान, ये हुक्मरान अभी में सही है, कोई ऊपर से तो कोई नहीं आते और ना अब बाद में कोई ऊपर से आना है। फरिश्ता तो कोई आके यहाँ हुकूमत नहीं करेगा, इंसानों ने करनी है, अल्लाह का निजाम। रोज अव्वल से अल्लाह ने इंसानों को ही बना दिए बागडो और वही चलेगी क्यामत तक के लिए, इंसान ही आएंगे और आखिरी जो पूरी दुनिया का जो बादशाह आएगा वो भी तो जाहिर इंसान ही है, इमाम महदी अलैहिस्सलाम। ये निजाम तो अल्लाह ने इंसानों के साथ ही चलवाया, क्या उसे खलीफा अपना बनाया, अपना नायब बनाया, तो जाहिर है असल चीज क्या है, असल तो रुजू इल्लाह है, तवज्जो इल्लाह है। जब तक मुसलमान वो नहीं करेगा और इस अल्लाह के कलाम से और अल्लाह से नहीं जुड़ेगा, हालात बेहतर नहीं हो सकते, कभी नहीं सुधर सकते। असूल तो ये था जो कलमा तौहीद पढ़ता है, रिसालत कलमा पढ़ता है, मानता है, वो पूरी दुनिया में गालिब होता, जाहिर है कि अल्लाह रसूल को मानने वाला है, जो अल्लाह रसूल को नहीं मानते वो मगलूब रहते, ऐसा ही है ना जी। लेकिन यहाँ तो मामला उलट चल रहा है, ऐसा ही है ना जी, वो तुम्हारे लिहाज से हम पे गालिब है, हथियार के लिहाज से भी हम पे गालिब बैठे हैं, कारोबार के लिहाज से भी हम पे गालिब बैठे हैं। अब आप आते हैं ना जी उम्रे से और हज से तशरीफ लाते हैं तो मुझे तो ताइफ देते हैं, तस्बीह टोपी और जमजम शरीफ हुजूरे, तो मुझे तो आज तक जितने यहाँ 10 सालों में जो भी तस्बीह मिली है उसके ऊपर यही लिखा होता है मेड इन चाइना, हाँ जी यही लिखा होता है ना जी, आप भी लेते होंगे और देते भी होंगे मेड इन चाइना। इसका क्या मतलब है, जो आपका मरकज है उस मरकज पर भी तिजारत का कब्जा तो मैं हूं भाई, ऐसा ही है ना। तो फिर बताइए ये चीजें हम क्यों नहीं सोचते। दो दिन तक मेरी तबीयत तो ऊपर लफ्ज पड़ गए, हाय मुसलमान दिल से अपना तेरा मरकज भी तेरे पास, इस कदर हम मगलूब हो गए, तस्वीर हमारी जिसका वो सख्त मुखालिफ है लेकिन वो अपना बिजनेस भी हमसे कमा के हम ही के ऊपर लगाता है हमारी बर्बादी। एक साहब थे हमारे वो मौलाना साहब, वो कहीं बैठे थे खाने पीने में तो वो खाई हुई बोतलें शोतलें जैसे होती है, मैं तो नहीं पीता हूँ हमें जी क्या हुआ ये यहूदी उनके हाथ में बाई चांस आईफोन था एप्पल, मैं कहा ये तो पाकिस्तान वालों ने बताया, ये तो मैंने कहा यहूदी का हाल आता ही जो जालिम आदमी उसका ये फोन है, और मैंने कहा ये तस्वीरें जो आपको मिलती हैं वही मौलाना साहब थे, मैंने कहा ऐसे मामलात नहीं चलेंगे, हमें अब हकायक की जाने पड़ना चाहिए। चले मैं बोतल आपकी ना पीने से मामला नहीं होगा कि आपने यहूदी को शिकस्त दे दी है, आपके तो हरम में बिकने वाली तस्वीर मेड इन चाइना वाली है, यहूदी तो फिर भी अहले किताब है, आपको मालूम है यहूदी अहले किताब है और जो चाइना वाले हैं वो तो अल्लाह को भी नहीं मानते, बताया आपको चेहरा वाले तो ना उनका कोई मजहब ना उनका कोई रसूल ना वो अल्लाह के तसव्वुर को मानते, वो तो उनसे हजार हजार गलत है दीन के लिहाज, तो क्या किसी की दोस्ती तो नहीं होगी ना जी, वो दलील बन जाएगी अच्छी है। ईसाई होगी दो ही है ना अहले किताब, उनके यहाँ तो अल्लाह का तसव्वुर भी है तौहीद का भी, अपने नबी का भी तसव्वुर उनके यहाँ है, चाइनीज के यहाँ तो ये भी नहीं, ये लोग चाइना गए उनसे आप पूछे क्या सूरत हाल है वहां की, अल्लाह माफ करे तो वो माफ कर बताते हैं। तो इसलिए अब अल्लाह ने क्या किया, फाजा आला हूं, अब ये अल्फाज हुआ खराब है, फाजा आला हूं कहास्फी माकूल, तो यूं उसने उन्हें बना दिया जैसे खाया हुआ भूस होता, तूड़ी नहीं होती गंदम की जो बनाते भूसा, फरमाया जैसे वो एक पूरा पौधा और जब मशीन में आती है तब बिल्कुल वो ऐसे घुस हो जाता है, अल्लाह ताला ने उस कंकरी के जरिए उस अबाबील के जरिए उन्हें ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया कि वो वहां मट्टी के जर्रात में मट्टी बन, और क्यामत तक के लिए निशान इबरत बना दिया और दुनिया को ये पैगाम दे दिया
कि लोगों अल्लाह अपने घर की कैसे हिफाजत करवाता है, मालिक अपने घर की कैसे हिफाजत फरमाता है। और रहती दुनिया तक ये कुरान की तिलावत भी होती है, नमाजों में भी हम ये सूरा पढ़ते हैं, और ये बहुत बड़ा सबक है। इसलिए हमें इनके आगे हाथ फैलाने की बजाय इनको अपना मजाजी खुदा मान बैठते हैं और इनके मामलात की शरायत में सब कुछ करते हैं, हमें तवज्जो अपने हकीकी खुदा की तरफ करनी चाहिए। इस बात की जरूरत है, कब तक हम भिखारी बन के भीख मांगते रहेंगे, कब तक हम यूं भिखारी रहेंगे। क्यों ना मिलकर हम सारे एक अल्लाह के भिखारी बन जाएं, जिसके खजाने कभी खत्म नहीं होते। क्यों ना हम सारे उसके भिखारी बन जाएं जो कभी दे के वापस नहीं मांगता। कभी अल्लाह ने नहीं मांगा तुझे ये दिया वापस, जो देकर ब्लैकमेल भी नहीं करता, जो देंगे ताने भी नहीं देता, उस जैसा देने वाला कायनात में कोई है? कोई नहीं है। मां बाप भी कभी कह देते हैं ना, तेन खुआ खुआ के तू पता होता ना तुम्हारी तो उन्होंने तेन सीना ही करना, कहते हैं ना मां बाप भी तंग आ गया। हालांकि मां बाप की बड़ी बेलौस मोहब्बत होती है, दुनिया में ऐसा रिश्ता ही कोई नहीं अल्लाह ने बनाया, लेकिन हरकतें ऐसी हो ना, औलाद ना फरमान हो जाए तो माँ और बाप भी कभी कहता है तुझे कैसा छोटा सा था, तुझे पाला पोसा, आज तूने हमारे साथ ये कर दिया। एक दिन वो भी ताना दे ही देते हैं, मेरे मालिक ने कभी किसी को ताना दिया? कभी किसी को ताना दिया? जो खिलाता भी है, पिलाता भी है, पहनाता भी है, और इस कायनात में सब कुछ उसी का ले रहे हैं, जमीन चलते हैं उसकी, घर में रहते हैं उसका, खाते हैं उसका, पीते हैं उसका, हवा खाते हैं उसकी, सूरज से रोशनी लेते हैं उसका, चांद से रोशनी लेते हैं उसकी, सितारे हवाएं ठंडी उसकी, बारिश हम पे बरसाता है उसकी। क्या नेमते हैं, क्या नेमते हैं, सब कुछ दे के भी कभी उसने एहसान नहीं जतलाया, कभी उसने मांगा नहीं है। जो इतना करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है, तो क्यों ना हम अपनी जोड़ियां फैला के और अपने हाथ फैला के और अपने दिल को उस मालिक के सामने रखें। अल्लाह हमें ये शऊर अता फरमाए, अल्लाह हमारे अंदर ये जज्बा पैदा फरमाए, और अल्लाह ताला हमें कुरान के इन खूबसूरत कलामात को, खूबसूरत तरीन इस कायनात के सबसे बड़े पैगाम है, अल्लाह ने इनको अमल के लिए अपना मौजूद आमीन व आलीना।